हिंदी साहित्य प्रचार सभा चरखी दादरी के द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन पूनम जोशी के घर पर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की अध्यक्ष रोशनी शर्मा जी ने की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आर्यन स्कूल ऑफ एजुकेशन की डीन निर्मल शर्मा जी पहुंची। कार्यक्रम का संचालन हिंदी साहित्य प्रचार सभा के सदस्य अनिल शर्मा चिंतित ने किया। काव्य गोष्ठी में दादरी जिले के विभिन्न कवियों ने शिरकत कर अपना काव्य पाठ किया। काव्य गोष्ठी की शुरुआत दिनेश शास्त्री ने माँ शारदे की वंदना से की। उसके बाद महिपाल आर्य, अनुपम जान, पूनम जोशी, विकास चौधरी, पुष्पलता आर्य, जिले सिंह शास्त्री, अनिल शर्मा चिंतित ने अपनी रचनाओं की बेहतरीन प्रस्तुति दी। हम हिंदी में हस्ताक्षर की ऐसी रीत चलाएंगे, हम हिंदी में हस्ताक्षर की ऐसी रीत चलाएंगे, खुद लिख पाएंगे हिंदी हम तब ही लिखवा पाएंगे। जज्बात मोम से है इरादे है आहनी, इरादे है आहनी, नाजुक है मगर कांच की दीवार हम नहीं। सर पर बाल सफेदी वाले चमक रहे किसको परवाह, सर पर बाल सफेदी वाले चमक रहे, धुर्री पड़ गई चेहरे फिर भी दमक रहे, अब हमको परवाह नहीं कुछ खोवन की, उम्र हो गई अब तो अपनी बचपन की। करता रहा नादानी में इबादत पत्थर की, खुली ना खिड़की कभी अपने मुकद्दर। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी रोशनी शर्मा जी ने अपने पुराने दिनों में लिखी गजल से सभी का मन मोह लिया। गौरतलब है कि हिंदी प्रचार सभा पिछले 5 सालों से साहित्य सेवा में कार्यरत है। यह संस्था विभिन्न कार्यक्रम नियमित समय अंतराल पर करवाती रहती है, जिसमें दोहा पाठ प्रतियोगिता, चौपाई पाठ प्रतियोगिता, कहानी पाठ प्रतियोगिता विशेष हैं। गोष्ठी की मुख्य अतिथि निर्मल शर्मा जी ने कहा कि इस प्रकार की काव्य गोष्ठियों के आयोजन से उन कवियों को मौका मिलता है जो अपनी प्रतिभा को शब्दों में पिरोकर व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हिंदी साहित्य प्रचार सभा चरखी दादरी का धन्यवाद करूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम जो व्यक्तिगत तौर पे नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर सबको लाभान्वित करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके उन्होंने एक ऐसा शहर के लोगों को मौका दिया कि वो अपनी न केवल प्रतिभा को बल्कि अपने हृदय के उद्गारों को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकें। और ऐसा देखने में भी आया जो कविता के रूप में जो और जो है लेखों के रूप में और वक्तव्यों के रूप में यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे, और ऐसे विचार जो केवल जो हैं कहने के लिए विचार नहीं थे बल्कि ऐसे विचार जो सामाजिक तौर पर राष्ट्रीय तौर पर हम सब के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये सभा इस तरह के आयोजन करती रहेगी और शहर के लोगों को लाभान्वित होने का मौका प्रदान करती रहेगी। गोष्ठी का संचालन कर रहे अनिल शर्मा चिंतित ने बताया कि हिंदी साहित्य प्रचार सभा चरखी दादरी काफी समय से इस प्रकार के कार्यक्रम करती आ रही है, उसी श्रृंखला में आज काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हिंदी साहित्य प्रचार सभा एक साहित्य को समर्पित संस्था है। लगभग 5-6 वर्ष पहले दादरी में इसका पंजीकरण हुआ था और मैं और मेरे जैसे कुछ युवा साथी और कुछ अग्रजों के मार्गदर्शन में इसका हमने पंजीकरण कराया था। उसके बाद से ही संस्था लगातार कार्यक्रम करती जा रही है। आज का जो कार्यक्रम था, आज की एक उस जो पिछला हमारा कार्यक्रम था कहानी पाठ प्रतियोगिता, उसकी एक समीक्षा बैठक का हम एक चलन चलाते हैं। कोई भी हम कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़े स्तर का कार्यक्रम करते हैं उसके बाद हमारा एक समीक्षा बैठक का कार्यक्रम होता है। उसी कार्यक्रम की सीरीज़ के दौरान उसी श्रृंखला में आज की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा की गई, जो हमारी पिछले कार्यक्रम में जो कमियां रही है उनके ऊपर चर्चा की गई और भविष्य में वो कमियां ना रहें उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। और साथ साथ में हमने आज एक काव्य गोष्ठी भी की है। काव्य गोष्ठी के साथ ही अपने पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया। समीक्षा बैठक में पिछले कार्यक्रमों में जो कमियां रह गई थी उन पर चर्चा की गई और आगे होने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई गई।